कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से 1,45,384 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश भर में काफी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। संक्रमण से 794 लोगों की मौत हुई है, जबकि 77,567 लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये बीते 24 घंटे का आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं। पूरे देश में 1,45,000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले सामने आए। कोरोना के मरीजों के आंकड़ों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। एक दिन में 1,45,000 से ज्यादा केस मिले हैं। 24 घंटे में 1,45,384 नए मामले और कुल 794 मरीज ऐसे जिनकी कोरोना से मौत हुई। 24 घंटों में 1,45,000 के पार नए मामले, एक्टिव केसेस की संख्या 10,46,631, अब तक संक्रमित 1,32,00,000 से ज्यादा लोग भारत में हो चुके हैं, अब तक ठीक हुए 1,20,00,000 से ज्यादा लोग भारत के अंदर। वैक्सीनेशन कितने लोगों का हो चुका है, 9,80,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले 10 दिनों में ही 47% एक्टिव केसेस बढ़ गए हैं। 11 राज्यों में 54% एक्टिव केस है, 65% केस बाकी के राज्यों में। 14 दिनों के अंदर महाराष्ट्र और पंजाब में मौत के सबसे ज्यादा मामले, 82% मौत महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में। दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर भारत है कोरोना के केसेस के मामले में। तो लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। बीते 3 दिनों का आंकड़ा भी आप देख लीजिए। कोरोना मीटर आज यानी 10 अप्रैल को 1,45,000 के पार नए केसेस, 9 अप्रैल को 1,31,000 के पार केसेस आए, तो 8 अप्रैल को 1,26,000 से ज्यादा नए संक्रमितों के मामले रिपोर्ट किए गए। थोड़ा उससे पहले अगर जाकर देखा जाए तो 7 अप्रैल को 1,15,000 के पार नए कोविड पेशेंट्स भारत में आए, 6 अप्रैल को 96,000 मामले सामने आए, तो 5 अप्रैल को 1,03,000 के पार नए संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया। तो हमने आपको बताया कि कहां संक्रमण घातक बनता जा रहा है। इस वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप देश के 11 राज्यों में है और अब यह घातक वायरस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी अपने पांव तेजी से पसार रहा है, जिसके बाद शासन और प्रशासन हरकत में आ चुका है। तो कोरोना ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। लगातार 4 दिन से पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। 24 घंटे में 1,50,000 के करीब पहुंच गया है नए संक्रमितों का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश के 11 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। हालांकि जरूरी चीजों और बाकी सब बंद रहेगा, उन पर छूट दी गई है। बिना मास्क सामान खरीदने और बेचने पर रोक है। लखनऊ के अंदर बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में आम लोगों की एंट्री रोक दी गई है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 12,787 नए मामले सामने आए। उत्तराखंड में 748 नए केस सामने आए देहरादून में, जिसके बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कई शहरों में 12वीं तक के स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। तो कोरोना से उत्तर प्रदेश में क्या क्या बदला है। 11 शहरों में नाइट कर्फ्यू है, रात में इमरजेंसी सेवा को छोड़कर बाकी सब बंद है। पुलिस नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवा रही है, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। बिना मास्क जो घूम रहा है उसको सामान देने पर रोक है। दुकानदारों को भी मास्क लगाना अनिवार्य है। 11 शहरों में उत्तर प्रदेश के नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है, रात में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सब बंद रहेगा। जो नियम तोड़ेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जो बिना मास्क के पहुंचेगा उसको कोई दुकानदार सामान भी नहीं बेच सकेगा। और अगर बात करें केवल यूपी की, तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,787 नए मामले केवल उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं। 24 घंटे में 48 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। लखनऊ में कोरोना के 4,059 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में एक दिन में 23 कोरोना मरीजों की मौत की खबर है। तो यूपी की राजधानी लखनऊ, वहां का आंकड़ा भी देख लीजिए। केवल लखनऊ के ही अंदर 4,059 नए कोरोना संक्रमित बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। लखनऊ में एक दिन में 23 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। और बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है नए संक्रमितों का, वो 12,000 के पार है। 24 घंटे में 48 लोगों की मौत पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। लखनऊ में 4,000 से ज्यादा केस और 23 लोगों की मौत केवल लखनऊ के भीतर। और पूरे यूपी की बात करें तो 48 लोगों की जान गई है बीते 24 घंटों में। अगली खबर लखनऊ से। प्रदेश में कुल 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिनमें मुरादाबाद, बरेली, झांसी, सहारनपुर में भी नाइट कर्फ्यू लागू है। गुरुवार को लखनऊ समेत 7 जिलों में लागू हुआ था नाइट कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को हालांकि छूट दी गई है।
तो ये वो शहर की तस्वीरें हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू है इन दिनों। कहीं रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो कहीं 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कहीं 17 अप्रैल तो कहीं 18 अप्रैल तक प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, कानपुर समेत बरेली, ये वो जगहें हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजधानी लखनऊ, इन सभी जगहों पर कोरोना कर्फ्यू है रात के वक्त, अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। झांसी, सहारनपुर, बरेली और मुरादाबाद में भी पुलिस सख्ती से पालन करा रही है, जगह जगह अनाउंसमेंट की जा रही है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, खासतौर पर बाजारों में रेड लाइट्स पर जाकर कि बेवजह लोग घरों से ना निकले, बिना काम के कोई इधर उधर घूमता हुआ मिला तो उस पर सख्ती होगी, उसको टोका जाएगा। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग या दिशा निर्देशों के विरुद्ध यदि कोई नजर आया तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर, प्रदेश में कुल 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मुरादाबाद, बरेली, झांसी, सहारनपुर में भी अब नाइट कर्फ्यू लग गया है। गुरुवार को लखनऊ समेत 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू हुआ था और अब जिलों की संख्या बढ़कर 11 पहुंच गई है। नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है, जरूरी काम जिसको है, एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग हैं उनको छूट दी गई है। मेडिकल स्टोर्स खुले रह सकते हैं परमिशन से, जरूरत का जो सामान होता है उससे संबंधित दुकानें या फिर जगहें खोली जा सकती हैं परमिशन के साथ। लेकिन बेवजह यदि कोई सड़कों पर घूमेगा, भीड़ लगाएगा, बिना मास्क के नजर आएगा या सड़क पर निकलेगा इस दौरान, तो उस पर सख्ती होगी। तो प्रदेश के कुल 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। किन जिलों में यह कर्फ्यू है उनके भी नाम हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोरोना बम फूट गया है। लखनऊ में 4,059 नए मरीज सामने आए हैं, 23 मरीजों की मौत हुई है। प्रयागराज की बात करें तो 1,419 नए केस प्रयागराज से सामने आए, 6 मरीजों की मौत 24 घंटे के भीतर। पूर्व सपा सांसद श्याम चरण का कोरोना से निधन हो गया है। बाराबंकी में 112 नए मामले, सोनभद्र में 93 तो प्रतापगढ़ में 73 नए केस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के। प्रयागराज में 1,419 केस सामने आए हैं और 6 लोगों की जान गई है। इस बीच खबर यह भी कि पूर्व सपा सांसद श्याम चरण का भी कोरोना से निधन हो गया है। उधर यूपी में बढ़ते संक्रमण के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कंट्रोल की मुहिम छेड़ दी है। लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज के बाद सीएम गोरखपुर पहुंच गए हैं, जहां गोरखपुर मंडल के ऑफिसर्स के साथ उन्होंने बैठक की है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण रोकथाम पर अहम दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, जिन जिलों में सबसे ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है वहां सीएम खुद जाकर हालात की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही कई मंत्रियों को चुनिंदा जिलों में निरीक्षण के लिए भी भेजा गया है। तो गोरखपुर सीएम पहुंचे हैं आज, तमाम अफसरों के साथ उन्होंने यहां पर बैठक की है, कोरोना का जायजा लिया है, अस्पतालों के इंतजामों को चेक किया है। कल भी वाराणसी और प्रयागराज में उन्होंने ग्राउंड पर निरीक्षण किया था। सरकार से जुड़े कई मंत्रियों को भी यही निर्देश हैं कि वो जाएं, अस्पतालों का रियलिटी चेक करें, संवाद करें, ग्राउंड पर उतरकर देखें क्या हालत है। प्रशासनिक कड़ाई को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर एक्शन में है पूरी तरह सीएम योगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उन्होंने बैठक की है, आज गोरखपुर में है सीएम योगी, कल वाराणसी पहुंचकर उन्होंने इंतजाम चेक किए थे, इससे पहले प्रयागराज भी वो पहुंचे, यहां पर भी उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक ली थी और आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उन्होंने बैठक की है, जहां पर सांसद रवि किशन समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उधर वाराणसी में कोविड को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, बहुत बड़ा फैसला वाराणसी में लिया गया है। कोरोना को लेकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आज से नई व्यवस्था लागू की गई है। बाबा के गर्भगृह में आमजन की एंट्री पर रोक लगाई गई है, सिर्फ परंपरागत पुजारी ही वहां जाकर पूजा कर सकेंगे। श्रद्धालु सिर्फ झांकी दर्शन कर पाएंगे। मंगला आरती के टिकट बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करने वाले ही परिसर में प्रवेश कर पाएंगे। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में भी कोरोना के चलते ये नई व्यवस्था लागू की गई है। बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह एंट्री पर रोक है, अब श्रद्धालु सिर्फ झांकी के दर्शन कर पाएंगे। मंगला आरती के टिकट भी फिलहाल नहीं मिलेंगे, गर्भगृह तक केवल पुजारी ही जाएंगे जो वहां पर रहते हैं और पूजा करते हैं, परंपरागत पुजारी ही पूजा करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग
के चलते ये फैसला लिया गया है। बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में अब आम लोगों की एंट्री नहीं होगी। श्रद्धालु केवल झांकी के दर्शन कर पाएंगे। केवल परंपरागत पुजारी ही पूजा करेंगे। मंगला आरती के टिकट बिक्री पर भी रोक लगाई गई है और परिसर के अंदर भी वही जाएगा जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा और जिसने मास्क लगाया हुआ होगा। अब श्रद्धालु केवल झांकी के दर्शन करेंगे। कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, वो डराने वाला है। बात अगर आंकड़ों की करें तो एक दिन में 748 नए केस सामने आए हैं। 5 मरीजों की ये वायरस जान ले चुका है। इस महामारी का प्रकोप सबसे ज्यादा राजधानी देहरादून और धर्मनगरी हरिद्वार में है। तमाम एहतियात और बचाव के इंतजाम के बाद भी कोरोना संक्रमण नहीं रुक पा रहा। तो देवभूमि उत्तराखंड में भी कोरोना का हाल हम आपको बता रहे हैं। कहां कितने केस, उधम सिंह नगर में 73, नैनीताल में 22। रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। अगर बात करें पूरे राज्य के आंकड़ों की तो अब 5000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हो चुके हैं। ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको समझाते हैं कि कहां कितना खतरा है। उत्तराखंड में महामारी किस तरह फैल रही है उसका खौफ जारी है। एक दिन में 778 नए केस सामने आए हैं। अब तक 1,25,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। 1,749 मरीजों की मौत हो चुकी है। 97,000 ठीक भी हो चुके हैं। कहां कहां फैल रहा है वायरस, नए मरीज कितने जिलों में हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। जिन जिलों में बेकाबू वायरस है, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, नैनीताल, सिर्फ देहरादून में ही 45% केस है। अब तक पूरे उत्तराखंड में 42 कंटेनमेंट जोन है। देहरादून, हरिद्वार में करीब 75% मरीज मिले हैं। एक दिन में 748 केस, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा 5 जिलों में कोरोना का कहर है। 5 जिलों में ही 92% नए मरीज सामने आए हैं। 748 नए मरीजों में देखिए देहरादून में इस वक्त कितने मरीज सामने आए, कहां कितने कंटेनमेंट जोन है वो भी जान लीजिए। 25 कंटेनमेंट जोन है देहरादून में और 335 नए मरीज मिले हैं। हरिद्वार में 6 कंटेनमेंट जोन बनाए गए, 229 नए मरीज आए। नैनीताल में 42 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, यहां पर 10 कंटेनमेंट जोन है। नैनीताल घूमने आए 20 पर्यटक कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 24 में से 20 पर्यटकों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमित 20 लोगों में 80% बच्चे हैं। आंध्र प्रदेश से नैनीताल घूमने आए थे सभी पर्यटक। बीडी पांडे जिला चिकित्सालय पीएमएस डॉक्टर केएस धामी के मुताबिक आंध्र प्रदेश से नैनीताल घूमने आए 24 सदस्यीय दल के लोगों की कोरोना जांच की गई है। इनमें से 20 लोग कोरोना संक्रमित हैं, 80% बच्चे हैं। सभी 24 लोगों को सुखाताल स्थित कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। बच्चे नंगे पैर और एक जोड़ी कपड़े में हैं। हैरानी की बात यह, आंध्र प्रदेश के ये पर्यटक 6 राज्यों को बिना कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के नैनीताल कैसे पहुंच गए। तो संपर्क में आए सभी अधिकारियों की भी जांच होगी। ये सभी बच्चे हैं, 6 राज्यों से होते हुए ये उत्तराखंड पहुंचे और यहां पर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बड़ा सवाल यही है कि ये बच्चे किस तरह से 6 राज्यों से होते हुए यहां पर आए और कहीं भी डिटेक्ट नहीं हो पाया कि इनको इन्फेक्शन कब लगा, कहां से लगा और कब से ये संक्रमित हैं। पूरे उत्तराखंड में एक दिन में 748 नए मरीज मिले हैं।